हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं एमएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ साक्षी रुडेजा। हमारा देश किस्से कहानियों का देश है। हर काल और युग की सैकड़ों काल जयी कहानियां हमने अपनी दादी, नानी, पापा, माँ और रिश्तेदारों से सुनी है। कुछ रहस्यमय किस्से और कहानियां आज भी हमारे जहन में सालों बाद भी जिंदा है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि धार्मिक स्थलों से जुड़ी वो हैरान कर देने वाली कहानियां जिन्हें सुनकर शायद आपको भरोसा ही नहीं होगा। ना काटने वाले बिच्छू कभी सुना है? नहीं सुना होगा। बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 13वीं सदी के सूफी संत सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत नकवी की मजार मौजूद है। उनकी मजार के पास कई जहरीले बिच्छू मौजूद रहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक आने वाले किसी अनुयायी या भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाया है। श्रद्धालुओं को एक निश्चित समय के लिए उन बिच्छुओं को घर ले जाने की इजाजत है, लेकिन तय समय के बाद उन्हें वापस मजार पर नहीं छोड़ा जाता तो इंसानों पर बिच्छू हमला कर देते हैं। हम्पी के संगीतमय खम्बे, जी हाँ, हम्पी में भगवान विष्णु के अवतार विठूल जी का विशाल मंदिर है। 96 खम्बों वाला ये मंदिर पुरातन काल को शिव कला का एक जीता जागता खूबसूरत नमूना माना जाता है। इसकी खूबसूरती से अलग एक जादुई बात मंदिर को बेहद खास बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मौजूद 96 खम्बों पर अगर हल्की चोट की जाए तो संगीत की 7 ध्वनियां निकलती हैं। इसके चलते इन्हें सारेगामा पा पिलर्स भी कहा जाता है। बता दूं कि गुलामी भारत में जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तो इस रहस्य को जानने के लिए 2 खम्बों को काट कर देखा, लेकिन सिर्फ खोखले दिखाई दिए और आज भी इन दोनों कटे हुए खम्बों को देखा जा सकता है। करिश्माई पत्थर, जी हाँ, पुणे में हजरत कमर अली दरवेश की एक चर्चित दरगाह है। हजारों श्रद्धालु अपनी मंत्रताओं के साथ वहां सादगे के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां एक करिश्माई पत्थर है जिसे एक बार में सिर्फ 11 लोग ही उठा सकते हैं। अगर 11 से ज्यादा कोशिश करते हैं तो वो पत्थर नहीं उठता है। हैरान कर देने वाली बात ये है कि जब 11 लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो उसके वजन का कोई नाप ही नहीं कर सकता, यानी कि उसका वजन बिल्कुल एहसास ही नहीं होता है। ऐसा करते हुए श्रद्धालु एक स्वर में हजरत कमर अली दरवेश को याद करते हैं। रोजाना सैकड़ों लोग इसे आजमाते हैं। इसके अलावा वहाँ एक ऐसे लैंप मौजूद है जो सालों से 24 घंटे जलते हैं। नंदी का बढ़ता आकार, देश भर में भगवान शिव के कई करिश्माई मंदिर मौजूद हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुरनूल में मौजूद यंगती मंदिर उनमें बेहद खास है। ऐसी कहानी प्रचलित है कि वहां मौजूद पत्थर के नंदी बैल का आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसका कारण मंदिर प्रशासन को वहां मौजूद एक खम्बे को भी हटाना पड़ा। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक पहले वो नंदी बैल की परिक्रमा करते थे, लेकिन बढ़ते आकार के कारण अब वो संभव ही नहीं हो पाता है। 5वें ऐसे में कहानी का नाम है शिव भक्त कोबरा। जी हाँ, तमिलनाडु के थुपरुमनलपुर स्थित शिव मंदिर में एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया। साल 2010 में रोजाना की आरती के दौरान मंदिर में मौजूद पुजारी ने देखा कि एक कोबरा अपने मुंह से पेड़ से पत्ती तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा रहा है। ऐसा उसने एक नहीं 2-3 बार किया। इसके बाद ये किस्सा आम लोगों के बीच बेहद चर्चित हुआ। तमिलनाडु में मौजूद प्राचीन मंदिर अनंत पद्मनाभ स्वामी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। वहां एक रहस्यमय बड़ा दरवाजा मौजूद है और ऐसी मान्यता है कि सिद्धू साधु की गरुड़ मंत्र के जरिए से खोल सकते हैं। खैर, इस दरवाजे के पीछे का सच क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। कुछ लोगों के मुताबिक दरवाजे के पीछे से अरब सागर की आवाज सुनाई देती है, जबकि कई लोगों का मानना है कि वो आवाज वहां मौजूद सांपों की है। अब उस दरवाजे के पीछे क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन अभी भी वो एक रहस्यमय जगह बनकर ही रह गई है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।